जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों ये अगर आपके पास यहाँ पर Redmi का Note 9 है ना, तो फाइनली Redmi Note 9 यूजर्स के लिए जो है ग्लोबल साइड में MIUI 13 Android 12 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इसी अपडेट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये जो अपडेट है हमारे इंडिया में कब तक यहाँ पर देखने को मिलेगा Redmi Note 9 यूजर्स को MIUI 13 और Android 12 का, वो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब बिना देरी के जो है वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। ये जो अपडेट है ना, यहाँ पर आज सुबह लगभग यहाँ पर 6:38 पे जो है ये अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है। आप यहाँ पर टाइमिंग वगैरह देख सकते हो और जो अपडेट है वो भी आप लोगों के सामने है बिल्कुल यहाँ पर, जो कि लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर रिलीज हुआ है और इसका वर्जन है 13.0.1.0 SJOMIXM। तो ये जो है यहाँ पर Redmi Note 9 का जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है कि फाइनली जो है ना ग्लोबल साइड में अपडेट आ चुका है, तो इंडिया में भी आने में यहाँ पर टाइमिंग नहीं लगेगा। बात करें अपडेट साइज़ की, तो अपडेट साइज़ कितना यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप ये जो है अपडेट साइज़ का ये वाला स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर देख सकते हो। इसके अंदर क्या आपको यहाँ पर पता लगता है कि यहाँ पर एक तो लेटेस्ट वर्जन नंबर है, MIUI 13 का लोगो लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पर अपडेट साइज़ जो है 2.7 GB के आसपास चीज़ें हैं आपको यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिलेगी। 2.7 GB का अपडेट साइज़ होगा, साथ में यहाँ पर लिखा भी हुआ कि स्टेबल जो है अपडेट यहाँ पर रोलआउट होना स्टार्ट हुआ है, जो कि यहाँ पर जुलाई की 2022 के लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ हमें देखने को मिला है रेडमी के यहाँ पर नोट 9 के अंदर। साथ में जो है यहाँ पर कुछ और फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आप कुछ MIUI 13 के फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, बट इसमें नए वाला साइड बार देखने को नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो नए वाला जो साइड बार है मैं आपको दिखाता हूँ नए वाला साइड बार कैसा देखने को मिलता है। तो सेटिंग में जाने के बाद जब हम लोग यहाँ पर स्पेशल फीचर में जाते हैं ना, तो ये जो साइड बार का ऑप्शन है, ये वाला जो साइड बार है हमें रेडमी नोट 9 में देखने को नहीं मिलेगा, ना ही रेडमी नोट 11 में दिया गया है, ना ही रेडमी के नोट 9 के अंदर मिलेगा और ना ही रेडमी नोट 10 के अंदर है। तो इस कारण जो है रेडमी के नोट 9 के अंदर भी जो हमें ये नए वाला जो है साइड बार का लुक देखने को नहीं मिलेगा। बाकी एक और अच्छी चीज़ मिलने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर पसंद आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ वो फीचर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलेगा ना, वो है ये नए वाला कंट्रोल सेंटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये नए वाला जो है कंट्रोल सेंटर फाइनली Redmi Note 9 के लिए ग्लोबल में दे दिया गया। तो ग्लोबल में ये जो मिला है ना, तो इंडिया में भी 1000% जो है आपको फीचर देखने को मिलेगा जब इंडिया में यहाँ पर Redmi Note 9 के लिए जब अपडेट रिलीज होगा MIUI 13 और Android 12 का। तो अब ये बात आती है कि हमें ये तो पता लग गया कि अपडेट जो है वो रिलीज कर दिया गया, बट जब ये इंडिया में कब यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इसके बारे में क्या कुछ न्यूज़ है? तो अभी आपको पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले जो है लगभग 25 दिन शायद पहले ही एक अपडेट रिलीज हुआ था यहाँ पर Redmi Note 9 यूजर्स के लिए, जिसमें जून का सिक्योरिटी पैच दिया गया था। तो यहाँ पर इंडिया में भी लेटेस्ट अपडेट मिल चुका है और इसके लिए जो अगला जो अपडेट आने वाला है, जो इंडियन डिवाइसेज है जैसे Redmi Note 9, उसके लिए जो अपडेट है आपको कम से कम यहाँ पर अगस्त के एंड तक का वेट करना पड़ेगा। जी दोस्तों, अगस्त के एंड तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो Redmi Note 9 जो डिवाइस है ना, वो बहुत ज़्यादा अदर कंट्रीज़ में भी चलता है, जैसे जितने भी कंट्रीज जैसे ताइवान, तुर्की, इंडोनेशिया, यूरोप, यहाँ पर भी लगभग Redmi Note 9 लॉन्च हुआ है, तो उधर भी अपडेट जाएगा और साथ में इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो अब यूरोप वगैरह, ताइवान, तुर्की, इंडोनेशिया में जाएगा और लास्ट में हमें लगभग इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा Redmi Note 9 यूजर्स को। तो जितने भी Redmi Note 9 यूजर है ना, उनको कम से कम यहाँ पर अगले महीने के एंड तक का वेट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर Redmi Note 9 यूजर्स को जो है अगस्त एंड तक का वेट करना पड़ेगा MIUI 13 और Android 12 अपडेट के लिए, और Android 12 अपडेट लास्ट होगा आपके Redmi Note 9 के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आपको बड़ा अपडेट मिलने वाला है और अपडेट का साइज़ इतना ही रहेगा, 2.7 GB के आसपास का ही अपडेट साइज़ आपको देखने को मिलने वाला है, कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अपडेट साइज़ जो है आपको इतना ही देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज़ भी आप थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा। तो बस इतना था इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप एक Redmi Note 9 यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल के ऊपर प्रेस कर लीजिएगा, साथ में हमारा ये टेलीग्राम चैनल देखने को मिलता है, इसको ज्वाइन नहीं किया तो इसको भी आके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लोबल, अगर आपके पास ग्लोबल वाला डिवाइस है तो उसमें जो है आप ये वाला लिंक के जरिए जो अपडेट कर सकते हैं। ग्लोबल का देखो पता लगाने का एक और तरीका होता है ना, जैसे ये देखो यहाँ पर SJOMI लिखा है ना, MI का मतलब होता है ग्लोबल, अगर यहाँ पर MI की जगह IN लिखा रहता है ना, तो ये इंडियन होता है। और आप लोग जो है सेटिंग के अंदर भी जाके यहाँ पर पता लगा सकते हो, अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे अगर IN लिखा हुआ देखने को मिलता है तो इंडियन होता है, और MI या EU लिखा होता है तो वो अदर कंट्रीज़ के होते हैं। तो अभी जो है सिर्फ यहाँ पर ग्लोबली जो है अपडेट को यहाँ पर रिलीज़ करा गया, तो आप लोग बस थोड़ा सा वेट करिए। Redmi Note 9 यूजर्स अगले महीने के एंड तक जो है आपके लिए यहाँ पर MIUI 13 Android 12 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बस इतना था इस वीडियो के अंदर, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।